फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में नेटफ्लिक्स अकाउंट को लॉगिन करना बताऊंगा। तो ये मैंने ओपन कर लिया है टीवी। ओपन करने के बाद आपको नेटफ्लिक्स ऐप्स को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा और ये कोड है जो आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप अपने जो अपने फ़ोन में जाएंगे तो आपको डिवाइस दिखेगा, एक लेंस नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। देख सकते हैं ये लेंस दिख रहा है, आपके डिवाइस में भी गूगल लेंस होगा ऐप्स, उससे आप इस तरीके से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने स्कैन किया है, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे ईमेल आईडी, यूज़र नेम डाल के पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया है जीमेल आईडी पासवर्ड और यहाँ पे वॉचिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वॉचिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में भी लॉगिन हो जाएगा। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ से डाउनलोड, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन हो चुका होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जीमेल आईडी पासवर्ड डाला, हमारा लॉगिन हो चुका है। तो वहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो यहाँ से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके और यहाँ से डायरेक्ट देख भी सकते हैं। तो मैं पहले से इसमें डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे इस अकाउंट को हम ओपन करेंगे, तो यह देख सकते हैं हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करके चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगा लिया है, आप चाहे तो यहाँ से कोई मूवी भी देख सकते हैं। गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।